यस फ्रेंड्स, कल रात को जब अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा है या लगेगा वैसे न्यूज आए थे, तब से आप, मैं और इंस्टीट्यूट के सारे अथॉरिटीज कंफ्यूज थे। बिकॉज एक साइड तहे दिल से इंस्टीट्यूट की इच्छा थी कि कुछ भी हो जाए, आप सबकी तैयारी को मान देते हुए एग्जाम्स की जाए, पर दूसरी साइड एक के बाद एक दूसरे जो भी दिक्कतें आई उसके अंदर हम सब लोग सोच रहे थे कि कब परमिशन मिले और कब एग्जामिनेशन हो। और आखिरकार आप सब स्टूडेंट्स जिन्होंने तन रात दिन मेहनत करके एकदम तहे दिल से मेहनत की थी, उन सब की गुड विशेस, आपके पेरेंट्स की गुड विशेस एंड अथॉरिटीज की मेहनत से आखिरकार शाम को परमिशन मिली गई। और फ्रेंड्स, आप सबने ये नोटिफिकेशन पढ़ा होगा या अहमदाबाद पुलिस का ऑर्डर पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है, ऑर्डर के सेकेंड पेज पे 14 पॉइंट में उन्होंने कहा है कि एनआईसी साइंटिस्ट, सीजीएल टायर थ्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंक्लूडिंग सीए की एग्जाम्स के रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स होंगे और उनके साथ एक साथ में उनको रखने के लिए जो पेरेंट या कोई भी रिलेटिव आता है उनको, वो लोग ये लॉकडाउन या कर्फ्यू है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे नहीं। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक कम्युनिकेशन करूं जिससे काफी सारे आपके डाउट्स थे वो क्लियर अप हो जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करें तो सबसे पहली चीज मैंने आपको कहा था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोटिफिकेशन का, उसे चेक कर लेना, राइट, अगर आप चाहो तो, जिसके अंदर पुलिस का ऑर्डर है कि आप जब एग्जाम सेंटर आते हो और एग्जाम सेंटर से वापस जाते हो और अगर आपके पास तब एक वैलिड आईसीए का एडमिट कार्ड होगा, उसके साथ आपका फोटो आईडी प्रूफ होगा, तो कोई आपको रोकेगा नहीं, और रोके तो आप इसे बता के आप आपके एग्जाम सेंटर की ओर आगे बढ़ सकते हो। सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग आज शायद से आपका सेंटर देखने नहीं जा पाए होंगे, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कल, क्योंकि वो आपकी एग्जाम का सबसे पहला दिन है, आप कल एक या 1.5 घंटे जल्दी एग्जाम सेंटर जाइए जिससे आप एक कॉन्फिडेंस से वहां आपकी लोकेशन देख पाए। एंड इन केस कोई चेंज है आपके एग्जाम सेंटर में जिसके सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं तो आप शिफ्ट करना हो तो भी आप कर पाए। एंड खास करके ध्यान रखना, अगर आपसे नोटिफिकेशन मिस आउट हो चुका है, और उस नोटिफिकेशन के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, पर मान लीजिए अगर आप पुराने सेंटर पे चले जाते हो तो नॉट टू पैनिक, वहां पे आपको असिस्ट करने के लिए आईसीएआई की तरफ से कार होगी और कोऑर्डिनेटर भी होगा, वो आपको उस सेंटर से दूसरे नए एलोकेटेड सेंटर के ऊपर ले जाएगा। आगे वीडियो में मैं सेंटर चेंज की भी सारी जानकारी देता हूं। मोर ओवर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सेंटर चेंज की, तो आपके एडमिट कार्ड में अगर एचएल वॉज द सेंटर, एडमिट कार्ड में एचएल वॉज द सेंटर, तो नाउ योर न्यू सेंटर इज उद्गम। अगर आपके एडमिट कार्ड में आरजी शाह वासना वॉज द सेंटर, तो दैट इज ओल्ड सेंटर, नाउ योर न्यू सेंटर इज पीडी पंड्या वटवा। अगर आपके एडमिट कार्ड में एलडी वॉज द सेंटर, दिस इज द न्यू चेंज विच केम जस्ट टूडे इवनिंग, देन इन दैट सिचुएशन, वो सिचुएशन में एचएल कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज योर न्यू सेंटर। एंड चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जो आगे के सेंटर्स की मैंने बात की, एचएल टू उद्गम, आरजी शाइंस टू पीडी पंड्या एंड एलडी टू एचएल, वो सारे बच्चों के लिए है, पर शीतल सौरभ जिनका ओल्ड सेंटर था उसमें से नेल्सन में शिफ्ट हुए, पर ध्यान रखना दिस इज जस्ट फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड दैट टू नॉट फॉर ऑल फाउंडेशन स्टूडेंट्स, देयर इज प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ फाउंडेशन स्टूडेंट्स, उनके लिए ये चेंज है, जिसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जो नोटिफिकेशन है उसे बराबर से पढ़ लीजिए। सो सारे बच्चों के लिए तीन मेजर चेंज है, एचएल टू उद्गम, आरजी शाह टू पीडी पंड्या, एलडी टू एचएल। और काफी सारे बच्चे कहते हैं कि हमारा नया एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है, या हम आज अगर एडमिट कार्ड ओपन करते आईसीए का तो उसमें पुराना सेंटर ही बोल रहे, तो फ्रेंड्स वो तो पुराना ही बोलेगा, भले पुराना सेंटर हो पर आपको ये नए सेंटर्स के ऊपर जाना है। फिर भी अगर वहां जाके कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहां ऑब्जर्वर्स हैं, इनविजिलेटर्स हैं, और ब्रांच से भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे, उनका संपर्क कीजिए, वो आपको हर एक तरीके से हेल्प करने के लिए वहां पे है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ व्हाट यू विल कैरी व्हेन यू गो टू एग्जाम सेंटर, आप घर से जल्दी तो निकल ही जाओगे पर आपको खास क्या क्या लेके जाना है, तो आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है, दूसरा आपका फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, तीसरा आपको ब्लैक पेन लिखने के लिए लेके जानी है, और बेसिक जो भी और स्टेशनरी है वो आपको कैरी करके जानी है। एंड खास करके हम इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्या कैरी करना है, तो सैनिटाइजर, ग्लोव्स, मास्क एंड योर वाटर बॉटल। इसमें व्हाट इज मैंडेटरी इज सैनिटाइजर एंड मास्क, ये आपके पास होना ही चाहिए। इन केस अगर आप भूल जाते हो तो मैं तो पहले दिन से कहता हूं आईसीए केयर्स फॉर यू,
वहां पे आपके लिए रखा होगा, आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स की मैंने जो बात की, एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी प्रूफ, वो आप फिजिकली तो कैरी करना है, पर अपने साथ मोबाइल में या फिर आपके पेरेंट्स को मोबाइल में देके रखना, और अपने आपको जीमेल ईमेल भी करके रखना, इन केस कुछ का खो जाता है तो आप सेंटर पे सॉफ्ट कॉपी बताओगे तो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी, रेस्ट यू कैन कैरी द सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो विद यू। तो ये चीजें खास आपके साथ लेके जाना। सो आखिरकार फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ अहमदाबाद ब्रांच ऑफ डब्ल्यूआरसी ऑफ आईसीएआई, वी वुड लाइक टू थैंक आर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री विजय रूपानी जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री नितिन पटेल जी, प्रदीप सिंह जी, भूपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, आर पास्ट चेयरमैन ऑफ अहमदाबाद ब्रांच सीए जैनिक वकील जी, एंड आर ओन सेंट्रल काउंसिल मेंबर प्रेजेंटली फ्रॉम अहमदाबाद सीए अनिकेत तलाटी जी, एंड ऑल द मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स ऑफ अहमदाबाद ब्रांच, जिन्होंने दिन रात एक करके आप सब बच्चों के लिए एग्जामिनेशन हो पाए और आपके ड्रीम्स कम ट्रू हो पाए उसके लिए मेहनत की। तो ऑन बिहाफ ऑफ अहमदाबाद ब्रांच आई थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड आखिरकार आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। नाउ द एग्जाम्स आर टू हैपन, राइट? सो नाउ इग्नोर ऑल द सोशल मीडिया एंड फोकस ऑन योर प्रिपेरेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, द फर्स्ट गॉड फॉर यू, सेकेंड इज योर गुरु, द सेकेंड गॉड फॉर यू, एंड थर्ड इज द एक्चुअल गॉड फॉर यू। इनके पेरेंट्स, इनके ब्लेसिंग्स लेना मत भूलना, एंड तीन चीजें याद रखना कल से या परसों से जिनके एग्जाम शुरू हुई उनके लिए, दैट इज बी कूल बाय माइंड, कॉन्फिडेंट बाय एटीट्यूड, एंड क्लियर इन योर प्रेजेंटेशंस। दिस थ्री विल बी द पिलर्स फॉर यू टू सक्सेस इन द एग्जाम्स टू कम। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी ऑल आर गोइंग टू क्लियर विद टन्स एंड टन्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड healthy vibe. So this is CA Fenil Shah, Chairman Ahmedabad Branch, signing off, and see you soon, all flying with high colors. Thank you.